आज का जो टॉपिक है हमारे पास एसटीआई, वीडी, आरटीआई या फिर एसटीडी, सो भी बोल दो, बात वही है। एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वीडी का मतलब होता है वेनरल डिजीज, आरटीआई का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एक ही चीज़ के हमारे पास कितने नाम है? 1, 2, 3, 4। मैंने बोला था ना, एक ही इंसान के चार नाम है, स्कूल में, घर में, दोस्तों के द्वारा और उसके गली में उसके कैरेक्टर के, क्या बोलते हैं, गली में उसके एक्टिविटीज़ के द्वारा दिया गया, राइट। चार नाम, एक ही बंदा। आखिर एसटीडीज सवाल आता है, सबसे पहली सवाल आता है कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या चीज़ है, व्हाट इज़ एसटीडी। एसटीडी के बारे में मेरे को लगता है कि आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा है और क्लास टेंथ से पहले अगर थोड़ी सी याद आ रही होगा तो हमें क्लास एट में भी थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जब चैप्टर था उसमें थोड़ी सी देखने को मिली थी, याद आ रही है कुछ? और एक और चैप्टर था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें भी था एट क्लास में, तो शायद याद आ रहा होगा। नहीं, ना याद आ रहा है आप लोग का? कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी डिजीजेस, कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी डिजीज अगर वो स्प्रेड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, यानी कि एनी इन्फेक्शंस और डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज सेड टू बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब जरा देखिए ना, इसके नाम में ही पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। इसका नाम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अब इसके अगर ये डिफिनेशन आप खुद से ना लिख पाए तो बेहतर, तो फिर गड़बड़ है। ये क्या लिखा पूरा का पूरा? कोई भी इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है, जो ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है, कैसे? सेक्सुअली। और सेक्सुअली में हमारे पास दो ही कंडीशन आएंगे, बॉडी कॉन्टेक्ट यानी कि हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स, यस और नो? सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर इसे को हम लोग तीन नाम से जानते हैं ना, क्वाइटस या फिर हमारे पास कॉपुलेशन। इफ एनी इन्फेक्शंस दैट इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन, दिस इन्फेक्शंस, द डिजीज आर सेड टू बी एसटीआई, वीडी, एसटीडीज और आरटीआई या फिर आरडी भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव डिजीज, राइट। अब याद, ये चीज़ याद रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया कि एसटीडीज है क्या, लेकिन एसटीडी को कैरी करने वाला, अब ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है संक्रमित, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट हो रहा है, राइट, है ना। ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे पास कफ भी होता है, ये सारे चीज़ें आपको पता है। कैंसर इतना खतरनाक बीमारी है लेकिन कैंसर ट्रांसमिटेड नहीं होता, आपको पता है? पता है, उतना ही नहीं, आपका ट्यूबरक्लोसिस ये भी आपका ट्रांसमिटेड नहीं होता है। नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, उसमें दो फेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा सेवर कर जाता है ना तो उसमें वो दिक्कत होती है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास नहीं होता है, बुखार ट्रांसमिटेड नहीं होता है, हमें बुखार है, हमारे बगल वाले को, हमारे बगल में बैठ जाए कोई बंदा तो उसको बुखार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर कफ है तो होगा। इसलिए तो सर्दी अगर घर में एक बंदे को होता है तो पूरे घर के लोगों को वो प्रसादी की तरह बांटा जाता है। नहीं तो ये याद रखिएगा, कफ जो हमारे पास है, कफ है, हालांकि डिजीज है नहीं, वो तो सिम्टम है दूसरे डिजीज के आने के, तो वो हमारे पास एक छोटा सा चीज हानिकारक कर सकता है, उतना हमारे पास हानिकारक नहीं करता अपना कैंसर, नहीं, क्योंकि कैंसर हमारे पास रिलेटेड होता है सेल्स से, सेल्स के ग्रोथ से, तो सेल्स का ग्रोथ, एक बात बताइए, हमारे बगल में भगवान ना करे अगर मुझे कैंसर है आपके कॉन्टेक्ट में आया तो क्या आपको होगा, क्या हमारा वो सेल्स जो कैंसरस सेल है क्या आपके बॉडी के टच में जाएगा? सड़ा हुआ आम हमारे टोकरी में है और आपका टोकरी हमारे टोकरी से कॉन्टेक्ट में है, तो क्या टोकरी से टोकरी, आम तो कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, तो क्या आपको वो होगा, इन्फेक्शस डिजीज होगा, वो आपका ट्रांसमिटेड डिजीज होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नहीं, तो वो चीज़ें नहीं हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे होता है ये ट्रांसमिटेड, ये बता रहा है ट्रांसमिटेड हो रहा है, यानी कि ये ट्रांसमिटेड डिजीज है, कंटेजियस डिजीज को भी बोलते हैं,
इन्फेक्शस डिजीज बोलते हैं, नाम तो सुना होगा। अब सवाल आता है कि सर जी, अब यहाँ पे जब ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अगर ये चीज जा रहा है पर्सन वन से पर्सन टू में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो लेके जाने वाला होगा, कोई तो लेके जाने वाला होगा ना भाई, कोई ऐसा एजेंट्स होगा, कोई ऐसा पैथोजेंस होगा जो यहाँ से कैरी करके लेके जाता होगा यहाँ पे, यस नो? तो वो पैथोजेंस कौन होंगे, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कौन से होंगे, वो एजेंट्स कौन होंगे? जैसे हमारे पास पॉलिनेशन में देखा था, हमारे पास था पॉलिनेटिंग एजेंट्स थे, तो यहाँ पे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स भी तो होंगे, तो वो कौन से होंगे? आपका यहाँ पे हो सकता है बैक्टीरिया, हो सकता है वायरसेस, हो सकता है क्लेमाइडिस, हो सकता है निमाटोड्स, हो सकता है प्रोटोजोआज, ये सारे के सारे हमारे पास पैथोजन एजेंट हैं, ये पैथोजेंस है एसटीडीज को कॉज करने वाला, ये सारे के सारे हमारे पास पैथोजेंस है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर हो रहा है कॉन्टेक्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं यहाँ का एजेंट्स निकल करके जाके इस बॉडी पे अपना निवास बनाया है, तभी जाके वो चीज़ हो रहा है। अब सवाल आता है सर जी, कि जब आपने बोला कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड होंगे, सिंपल सी बात है। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बात करें, तो सेक्सुअली का मतलब ही होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कॉन्टेक्ट में आना, नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिट कर, सेक्सुअली का मतलब ही होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कॉन्टेक्ट में आना, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना, राइट, कहीं ना कहीं कॉपुलेशन होना, कहीं ना कहीं आपका कोइटस होना। तो क्या चीज़ है, क्या यहाँ पे अगर बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बगल में बैठा हुआ इसको एसटीडी है, तो यहाँ पे एसटीडी इसको होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा? लेकिन मैंने अभी बोला कि ट्रांसमिटेड है लेकिन दूसरे सेंस में है, ट्रांसमिटेड है लेकिन दूसरे सेंस में है। कैसे है भाई? सपोज यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकते हैं? ट्रांसमिशन के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। सपोज पर्सन ए को एक डिजीज है, एसटीआई है, ठीक है, पर्सन वन को एसटीआई है, और पर्सन ए को एसटीआई है, डॉक्टर ने इसका इलाज किया था और उसी इंजेक्शन से इसको इंजेक्ट कर दिया, यानी कि इंजेक्शन का क्या कर दिया, शेयरिंग कर दिया, या फिर नीडल्स का क्या कर दिया, शेयरिंग कर दिया। तो नीडल के शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन की वजह से हमारे पास इस बंदे को एसटीआई हो जाएगा, राइट? सो पहला चीज हमारे पास रीजन क्या निकला, एसटीआई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, उसके नीडल्स हो सकते हैं, उसके जो भी पार्ट्स पुर्जे हो, सारी चीज। दूसरी चीज, मान लो हमारे पास इस पर्सन वन के पास एसटीआई है, वीडी है, आरटीआई है, आरटीडी है, एसटीडी है, पक्का सपोज कर लो है। अब क्या है, ये इसका जो भैया बड़ा गंदा नेचर का इंसान है, बड़ा गलत नेचर का इंसान है, इसके इसका जो संबंध है ना, ये बहुत लोगों के साथ उठता बैठता है ना, यानी कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, राइट? मल्टीपल पार्टनर के साथ, या फिर ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिर से कर ले। तो सिंपल सी बात है सर, पहले ही एसटीआई इसके पास है, और ये किसी के पास जिसके साथ भी करेगा उसको एसटीआई होना तय है, राइट? यानी कि अगर एक हेल्दी पर्सन है और ये आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वाई के साथ, जो कि इसमें एसटीआई है, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें नहीं है, तो इसको होना तय है कि नहीं है? है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ के जो वायरसेस हैं, यहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं, यहाँ के जो प्रोटोजोआ हैं, जो ये नेमाटोड्स है या फिर आपका क्लैमाइडिस हुए, यहाँ से ट्रांसमिट होंगे कि नहीं? इसमें होंगे, पक्का होंगे। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास एसटीआई होना तय है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, प
पक्का दो चीजें क्लियर है। दूसरी तीसरा कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लो इसको हमारे पास एसटीआई नहीं है, है ना, इसको एसटीआई नहीं है, एसटीआई का मतलब समझ रहे ना, नहीं है, और इस वाई को एसटीआई है और हो सकता है इसको ब्लड की जरूरत पड़ गई, ब्लड की जरूरत पड़ गई और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया यहां से, राइट, ये इसने इसको ब्लड दे दिया, इसके पास ऑलरेडी ये एसटीआई है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव डिजीज है, अब इसके पास है, तो आप जरा बताइए यहां से जर्म्स जो है बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होंगे कि नहीं उसके बॉडी में, होंगे, यानी कि ब्लड के इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के एज ए रिजल्ट भी हमारे पास एसटीआईज हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तीन रीजंस है, इसके अलावा कोई रीजंस आप लोग को नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तीन ही रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विद इंफेक्टेड पर्सन। पक्का, यानी हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी मिल गया, हमें पैथोजेंस भी मिल गया, हमें एसटीआई क्या होगा ये भी मिल गया। अब सवाल आता है कि इस पे गवर्नमेंट ने क्या, एक चीज नोटिस करिएगा कि जितने भी एसटीआई होते हैं, ध्यान रखिएगा अभी आप लोगों को जानने की जरूरत है, एसटीआई जितने भी होते हैं ये नोटिस किया गया है कि वो सारे के सारे पर्सन जिनको एसटीआई हुआ है ये 15 से 24 एज ग्रुप के बीच में आते हैं। एसटीआई के सबसे हाई केसेस इसी एज ग्रुप में देखने को मिलता है 15 to 24, ध्यान रखिएगा चीजें सो बच के। एक चीज और, क्या एसटीआई, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डिजीजेस क्यूरेबल है या फिर क्या उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, दो तीन को छोड़ के सारे का पॉसिबल है, जैसे किसका किसका पॉसिबल नहीं है, किसका टोटली क्यूरेबल नहीं है, एक वो हमारे पास एचआईवी इन्फेक्शंस में हमारे पास एड था जाते हैं ना, इन्फेक्शंस, जेनाइटल हर्ब्स, और एक और है जिसका ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सा, एक और है, तीन है ऐसे जो जिसके आपके कंप्लीट ट्रीटमेंट, हाँ हेपेटाइटिस बी, सॉरी हेपेटाइटिस बी, इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, पहली चीज इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सारे के कंप्लीट ट्रीटमेंट है अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो, अर्ली स्टेज में शुरुआती दौर में आपको पता चल जाता है तो। सो ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये इन तीनों के हमारे पास कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, क्योर किया जा सकता है लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट आज तक अवेलेबल नहीं हुआ। हाँ, अर्ली स्टेज में हो जाए ना, जैसे भी स्टार्टिंग हुआ उस टाइम पे आप कर लिए तो कोई भी चीज सही संभव है, हो सकता है कि मान लो उस बॉडी के पार्ट्स में हमारे पास हो तो वहां के पूरा का पूरा ब्लड का एक्सचेंज कर दे, हटा दे वहां से, दूसरा ब्लड चीज कर, तो हो सकता है ना, ब्लड में ही पूरा प्रेजेंट होता है तो ब्लड को ही हटा देते पूरा नहीं, तो इस कंडीशन में हमारे पास वो चीज हो सकता है, वरना इसके ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है, बाकी सबके, बाकी सारे एसटीआई जितने भी हैं उसके सारे कंप्लीट ट्रीटमेंट है। अगला चीज, यानी हमारे पास पता चल गया, जीओआई तो जानते हैं ना, कल ही बात किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, देख लीजिएगा इसका इश्यूज क्या होता है, इसका इनिशिएटिव्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जिसको स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका मेन मकसद होता है कि जो भी एसटीआईज होते हैं उसके अर्ली स्टेज में उसका डायग्नोज करके उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, राइट, यानी उसके अर्ली स्टेज को प्रिवेंट करने की कोशिश कहती है, यानी अर्ली स्टेज में ही जैसे स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे उसको क्या कर दिया जाएगा, क्योर करने की कोशिश की जाएगी डायग्नोज करके, डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना ना,
डायग्नोज करके उसको क्योर किया जाएगा। अकरेंस एंड डेवलपमेंट। अब इसको क्योर करने का उपाय क्या है, ऐसा क्या चीज हो सकता है जिससे इसे बचा जा सकता है? बहुत ही आसान है भाई, बचा कैसे जा सकता है जरा देखो ना, किसकी वजह से फैला, किसकी वजह से फैला, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बंद कर दो, तीसरा हमारे पास ट्रांसफेक्शन ये बंद कर दो, चौथी चीज ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग केयर कर लेते हैं तो वो चीज़ से हम आसानी से बच सकते हैं। हमें इनफेक्ट ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वो चीज़ नहीं करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस का शेयरिंग नहीं करना है। तीसरी चीज़ हमारे पास कॉन्डोम्स का यूज़ ऑलवेज करना है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। और चौथी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। और एक चीज़ और, डिटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे ये प्रिवेंशंस के मेथड मैंने बताया, प्रिवेंशंस के मेथड बताए, इसके चेकिंग करने, आपको ठीक करने का भी मेथड से हमारे पास है, ठीक करने का भी मेथड से। इतना किसी को क्लियर, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक में किसी को भी? डिफिनेशन से लेकर के हमारे पास प्रिवेंशंस तक पूरा मैं लिखवाऊंगा, सारी चीज़ लिखवाऊंगा, लेकिन इतना तक में आप देख लीजिए पहले। है किसी के पास वेनरल डिजीजेस? देखिए जरा, आज से ऐसा कैसे पता चलेगा कि हमें एसटीआई हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ तो आइडियाज होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसे सिम्टम होना चाहिए कि जिससे हमें ये डिटेक्ट कर पाए कि हमारे पास वेदर वी आर सफरिंग फ्रॉम एसटीआई और नॉट। तो पहली चीज़ तो सर जी, पेन हो, इचिंग होगा, इचिंग जानते हैं ना, वो वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, वहां पे अजीब तरह का फ्लूइड निकलेगा। और ज्यादा दर्द तो ना होगा, लेकिन तनी मनी मीठा मीठा दर्द होगा, उसको क्या बोल सकते हैं, स्लाइट पेन। देखो ये हमारे पास क्या है, सिम्टम है, ये लक्षण है, तब जाके आप जाके उन चीज़ों के थ्रू प्रोसेसिंग करिएगा। अगर ये सारे चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं लोचा है। अब टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होंगे, कौन से टेस्ट है जो बताएंगे कि सही में वे यू आर सफरिंग फ्रॉम ऐसे ऐसे खतरनाक रोग और नॉट। तो हमारे पास सबसे पहली जो टेस्ट टेस्ट होता है, सर जी मैंने बोला आपको क्या, कौन सा के कर, कौन हीरोइन का नाम बताए हैं, इलियाना डिक्रूज, केस करवाएगा हमारे पे। इलिशा टेस्ट, इलिशा एक टेस्ट है जिसके थ्रू ये डिटेक्ट कर दिया जाता है कि वहां पे हमारे पास वो चीजें है कि नहीं है। अब पूछिए अगर पूरा नाम क्या है, एक्ट्रेस का बड़ी बड़े वो नाम है, देखिए, एंजाइम, एल फॉर स्टैंड्स फॉर लिंक्ड, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनोसॉर्बेंट, और एस, एस हो गया ना, हो
लगभग लगभग जितना कहते हैं ना सर जी कि जितना गुड़ जितना उतना मीठा है ना, तो जितना बड़ा डिजीज उतना ज़्यादा पेन। सिंपल सी बात है। मे बी मतलब सिम्टम का मतलब क्या होता है कि रोगवा से पहले क्या क्या होगा, इलाज करेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला टेस्ट हमारे पास सीए डिटेक्ट करेगा, कंफर्मेशन करेगा। दूसरा हमारे पास होता है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे जेडो होता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। और जो तीसरा टेस्ट होता है सर जी, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ, पीसीआर। पीसीआर इज नॉट अ टेस्ट ऑफ कोरोना। आपने नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम आरटीपीसीआर वहां पे लिखा होगा। जितने भी कोरोना किसी का है कि नहीं, किसी घर में कोई कोरोना के पेशेंट थे, तो आरटीपीसीआर वहां पे टेस्ट हुआ होगा। आरटीपीसीआर में आपको इस चीज का ये स्कैनिंग किया जाता है और एक्सरे टाइप का कुछ होता है, और उसमें हमारे पास पता चलता है कि वेदर द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस वन एंड नॉट। तो आरटीपीसीआर यहां पे हमारे पास पीसीआर होता है। पीसीआर स्टैंड्स फॉर ईओ एक्टर का नाम है प्रियंका चोपड़ा रघुवेंद्र, नहीं पीसीजे लिखना होना था। प्रियंका चोपड़ा जोनस, उसके हस्बैंड का नाम वो जोनस टाइटल है ना, है ना, तो यहां पे ये चीज होना चाहिए था। ये जाके कह मत देना, कंप्लेन मत कर देना, गड़बड़ा जाएगा। ये टेस्ट से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो चीजें है कि नहीं है। ये नॉर्मल था हमारे पास एसटीडी, जितने भी एसटीडी है उसके सारे चीजों में ऐसे चीजें होती है, और ये टेस्ट के माध्यम से ही हमारे पास। तो ये सवाल आता है कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स और आपका एसटीआईज, तो उसमें ऑप्शंस अगर ये रहेगा तो आप सेलेक्ट करिएगा जरूर। ध्यान रखिएगा, अगर तीनों रहेगा तो एगो चौथा ऑप्शन ये रहेगा कि ऑल ऑफ दीज। अगर दो गो रहेगा तो लिखेगा वन एंड टू, है ना, तो ये याद रखिएगा। लेकिन अगर एड्स के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होता है ये एलिशा। एलिशा जाके कहिएगा मत एलिशा से, फोन आप लोग बड़ी लगा देते, फट दे। क्लियर है? एसटीआईज का नॉर्मल जो इंट्रो था पूरा का पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे, पहला जो टॉपिक है हमारे पास कौन सा, सिफिलिस। पहला बात करेंगे हम लोग सिफिलिस पे, अगर बाद बात करेंगे दूसरे पे। नोट कर लीजिएगा अपने पास ये खत्म।